20 साल बाद भी डोभाल के लिए सिरदर्द बना है मसूद अजहर। भारत के लिए नासूर बना मसूद अजहर का कब होगा खात्मा? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। ये वही आतंकी संगठन है जिसका मुखिया मसूद अजहर है, वही मसूद अजहर जिसे मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम ने 1994 में कश्मीर से पकड़ा था, लेकिन साल 1999 में हुए कंधार विमान हाईजैक को मुक्त करने के लिए भारत को इसे छोड़ना पड़ा। इस घटना को बीते 20 बरस हो गए, लेकिन मसूद अजहर आज भी एनएसए अजीत डोभाल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। साल 1994 में जब कश्मीर में मसूद अजहर को पकड़ा गया तब उसकी उम्र महज 26 साल की थी। अजहर पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट के आधार पर पत्रकार के तौर पर भारत में दाखिल हुआ था, लेकिन मसूद का कद कितना बड़ा है इसका पता तब चला जब डोभाल और उनकी टीम को उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन का पता चला। भारतीय कब्जे से आजाद होने के ठीक 2 साल बाद यानी 2001 में मसूद अजहर ने लश्कर के साथ मिलकर देश की संसद पर हमले की साजिश रची। उस वक्त भी डोभाल और उनकी टीम को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वो भारत की पहुंच से दूर रहा। साल 2001 में अमेरिका के 9/11 हमले के बाद दुनिया के कई आतंकी संगठनों समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद को भी आतंकी संगठन घोषित किया। बैन लगने के बावजूद मसूद पाकिस्तान में छुट्टा घूमता रहा और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। पिछले कुछ सालों में कई आतंकी हमलों से एक बार फिर मसूद ने दस्तक दी है। पहला बड़ा हमला 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुआ। इसके बाद दूसरी बड़ी आतंकी घटना उरी सेक्टर के सेना मुख्यालय पर हुई। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन भारतीय सेना ने इस हमले का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। अब एक बार फिर पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जो उरी सेक्टर में सेना कैंप पर हुए हमले से भी बड़ा है। इस हमले की जिम्मेदारी भी मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या कुछ और कि कंधार विमान हाईजैक की घटना के 20 साल बाद देश के एनएसए अजीत डोभाल है, जबकि देश में हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। इंडिया न्यूज़ बारन की रिपोर्ट।